हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हूँ अग्निवीर जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस 20 क्वेश्चन, जो आपका पीबीआर सीआर का ओरिजिनल पेपर से उठाकर लेकर आया हूँ। और यही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा, रिपीट होगा, इसीलिए लेकर आया हूँ। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर है, आपका हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा। देख लीजिए, इसी 20 क्वेश्चन में आपका टारगेट कितना रहेगा? टारगेट रहेगा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए आपका इसी 20 क्वेश्चन पेपर का। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर है। और जिस बंदा अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हो, वो हमारा चैनल में नया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली आपका अग्निवीर के लिए डेली के डेली क्वेश्चन लेकर आता हूँ इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। देख लीजिए, निम्नलिखित में सबसे हल्की धातु कौन सी है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन देखकर इधर बता देगा। ऑप्शन वन होगा सॉरी आंसर, लिथियम होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाफिंग गैस। देख लीजिए, हंसने वाला जो गैस होता है वो क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए। चार ऑप्शन में सॉरी आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो नाइट्रेट ऑक्साइड होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम बॉम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देख लीजिए, परमाणु बॉम के सिद्धांत पर आधारित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, दो न्यूक्लियर फिशन होगा सॉरी आंसर, परमाणु विभाजन होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज। देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश कौन सा है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री होगा सॉरी आंसर अकॉर्डिंग टू गूगल। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, चाइना होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है वो कहाँ पे स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो नेपाल में पड़ती है माउंट एवरेस्ट का चोटी। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आपका जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो अग्निवीर के लिए, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यही बात, जो आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए इसीलिए तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा इसीलिए हमारा टीम जो लेकर आया है इंडियन आर्मी का, जो 15 साल से लेकर 2020 तक जितने भी आपका ओरिजिनल पेपर पूछा गया यही पेपर आप कवर कर लेगा, पढ़ लेगा, तो आपका एग्ज़ाम में 100 आ जाएगा। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा, आप नौकरी करोगे तब। इसीलिए हमारा टीम लेकर आया है 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी आपका एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, ओरिजिनल पेपर हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो। जस्ट 89 रुपया में मिलेगा आपका 2015 से लेकर 2020 तक ओरिजिनल पेपर, सिर्फ 89 रुपया में। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर है, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा हमारा पेपर। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है जीडी का जनरल ड्यूटी का, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, भाग ए और भाग बी मिल जाएगा, यहाँ पे आपका जस्ट 89 रुपया में मिल जाएगा। 1100+ क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया में। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे, जो भी है आप पेमेंट करके ले सकते हो। फ़ोन करके जान लीजिए कहाँ पे पेमेंट करना होगा, देख लीजिए बहुत ही अच्छा पेपर है, ले सकते हो आप, बहुत ही अच्छा पेपर है। आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है यही प्रश्न आपका पूछा जाएगा, देख लीजिए आप एग्ज़ाम देगा तब देख लेना। तो दोस्तों इसी नंबर पर कॉल करके आप 5 ईयर का जितने भी क्वेश्चन है ले सकते हो जस्ट 89 रुपया में, इसी नंबर पर कॉल करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंस्टीट्यूट दीन ए इलाही। देख लीजिए, कौन से दीन ए इलाही का जो शुरुआत किया था, कौन किया था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन
3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो अकबर होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, देख लीजिए बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट का किससे बना हुआ होता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो टंगस्टन होगा सॉरी आंसर, टंगस्टन से बना हुआ होता है बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है। और एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन भी आ गया है देख लीजिए, नाइक्रोम एक कहाँ उपयोग किया जाता है, ये आपका जो हीटर होता है टी शर्ट वगैरह वगैरह आपका जो हीटर होता है उसको अच्छा तरह करने के लिए यूज़ किया जाता है, हीटर के उपयोग किया जाता है नाइक्रोम। दोनों जानकारी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम ऑफ फॉर, देख लीजिए जो वॉशिंग सोडा है उसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, साधारण नाम क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 4 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो सोडियम को कार्बोनेट होगा सॉरी आंसर, सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी वाटर इज, देख लीजिए भारी पानी कौन सा है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो D2O डाइट्रोडियम ऑक्साइड भी कहती है, D2O इसका था, यही क्वेश्चन में यही ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गैस लिबरेटेड ड्रॉइंग द रिलेशन ऑफ कॉपर विथ डेल्टिक नाइट्रिक एसिड इज, देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो पतले नाइट्रिक एसिड जो साथ तांबे के प्रतिक्रिया क्या होता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में उससे क्या बांधते हैं आप बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो ऑक्सीजन बांधता है ऑप्शन 1 होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइस्ट ग्रेड ऑफ कोल हुज सरफेस इन शोइंग एंड हैज हाइस्ट कोलोरीफिक वैल्यू इज, देख लीजिए बहुत ही अच्छा तरह जो कोयला होता है सर्वोच्च मुख्य कोयला है वो कौन है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। बहुत ही अच्छा तरह जलती है वो कौन से कोयला जलती है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 4 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो एंथ्रासाइट होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील एग्रीमेंट वाज सिग्नेट बिटवीन व्हिच कंट्री, देख लीजिए पंचशील एग्रीमेंट किस देश के बीच हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे तो ऑप्शन देख कर ही बता देगा हमारा इंडिया और चाइना के बीच हुआ था तिब्बत के लिए, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इंडिया और चाइना होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, देख लीजिए असहजोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत अच्छा, जो अगस्त में हुआ था 1 अगस्त 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले लास्ट में एक होमवर्क भी दिया हुआ है, आज होमवर्क लेकर जाना है आपको, देख लीजिए लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमती डैम लोकेटेड व्हिच रिवर, देख लीजिए अलमती बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है अलमती बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप एसोसिएटेड व्हिच स्पोर्ट्स, देख लीजिए उबेर कप किस खेल से संबंधित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो बैडमिंटन होगा सॉरी आंसर, बैडमिंटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, देख लीजिए भारत का जो पश्चिमी दिशा में बहती है वो नदी कौन सा है बता दीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, इसी तरह भारत का मैप है, हमारा देश का जो भारत का मैप है देख लीजिए, ये आपका वेस्ट है, जो केरल राज्य पड़ती है ये आपका वेस्ट साइड में पड़ती है। यहाँ पे पूछा गया आपका अरब खाड़ी में जो अरब सागर में कौन से नदी गिरती है, वेस्टर्न फ्लो रिवर। यहाँ पे आप चुनिए, चार ऑप्शन में सॉरी आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो ताप्ती रिवर होता है अरब सागर में गिरती है, वेस्टर्न पश्चिमी दिशा में जाती है, गंगा रिवर जमुना रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर वो सभी बाय ऑफ बंगाल में पड़ती है, ये नहीं होगा ऑप्शन
थ्री होगा, सॉरी आंसर ताप्ती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉमन हेल्थ गेम हेल्ड इन हुई चीयर, देख लीजिए पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस वर्ष आयोजित किया है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 1930 में हुआ था राष्ट्रमंडलीय खेल पहले बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, देख लीजिए जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन होगा सॉरी आंसर, इंदर पॉइंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसी पेपर का, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई चीयर, देख लीजिए खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 99 में हुआ था आपका खिलाफत मूवमेंट शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क दिया हुआ है देख लीजिए। होमवर्क क्या दिया हुआ है, इन व्हिच ईयर डिड द स्टार्टेड बरदौली सत्याग्रह, देख लीजिए बरदौली जो सत्याग्रह वो किस वर्ष शुरुआत हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में सॉरी आंसर चुनकर आप चुन के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हमारा पीडीएफ का खरीदना चाहते हो जस्ट एक बार कॉल करके पेमेंट पर से सभी जानकारी ले लीजिए, आपका 10 मिनट के अंदर आपके पास चला जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।